अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम रशीद है, मुझे प्यार से ऋषि भाई कहते हैं। ऋषि भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। क्या मसरूफियात है ऋषि भाई आपकी? मसरूफियात क्या, आजकल फारिग चल रहे हैं, आपको पता है ऑफिस की छुट्टियां चल रही हैं। फारिग चल रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, इस फरागत को अगर हम कीमती बना लें तो कितना मजा आ जाएगा। बात दरअसल ये है, हमारी मस्जिद। अम्मी मोटर बंद कर दे, मोटर चल रही है, पानी गिर रहा है। जी जी, बात दरअसल ये है, हमारी मस्जिद में जमात आई हुई है, मेरी और आपकी, बल्कि पूरे आलम की कामयाबी। ओ, वो मुझे याद है, टीवी चल रहा है, आप 2 मिनट रुके, मैं 5 मिनट में आया। जी जी, टीवी बंद करने गए हैं ऋषि भाई। फहद भाई, अस्तगफार की कसरत कीजिए। ऋषि भाई, देखिए, मेरी और आपकी, बल्कि पूरे आलम की कामयाबी अल्लाह ताला ने अपने पूरे पूरे दीन में रखी। इसी दीन के सिलसिले में मस्जिद में जमात आई हुई है, तो आप चलें तो बहुत फ़ायदा होगा। मस्जिद में? अरे मुझे याद आया, मुझे ऑफिस जाना था। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप फारिग हैं, छुट्टियां चल रही हैं आपकी। अरे नहीं नहीं, बॉस की अर्जेंट कॉल आ गई, उन्होंने कहा जल्दी ऑफिस पहुंचो। ओहो, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, तो ऑफिस चले। चले मतलब आप लोग साथ जाएंगे? जी जी, देखिए, आपके ऑफिस में इंतजार गा तो होगा, हम वहाँ बैठ के इंतजार कर लेंगे। जब तक आप सुकून से अपना काम करिएगा, हम उसके बाद फिर मस्जिद चल लेंगे। नहीं नहीं, मैं खुद। चलिए चलिए साहब भाई, मैं खुद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लमन तअरबि मिन्नना गरीबा बतहसन अशाक बिलहुब वलहना इमतलुआ ऋषि भाई, सफर हमारा तवील है, क्या ख्याल है, दीन की बात हम कर लेते हैं? जी जी, देखिए, दुनियावी काम तो चलते रहते हैं, लेकिन अगर साथ दीन की खिदमत भी हो जाए तो कितना मजा आ जाता है। मेरी और आप। अबे क्या कर रहा है यार, रोड के बीच में क्यों आ रहा है? ये बाइक वाले यार क्यों बीच में आते हैं, गाड़ी के बीच में आते हैं, हमने बाप का रोड समझा हुआ है इन्होंने। अजीब बंदा है। मेरी और आपकी, बल्कि पूरे आलम की कामयाबी अल्लाह ताला ने अपने पूरे पूरे दीन में रखी। इसी दीन के सिलसिले यार, एक कराची का कबाड़ा कर दिया उन्होंने, जगह जगह कचरा, इधर देखे कचरा, इधर देखे कचरा, है ना? जी जी यार, कसम से बारिश हो गई है, एक तबाही मच गई, रोडों पे खड्डे, खड्डों में पानी। अल्लाह बेहतर करे। देखिए, मेरी और आपकी हिदायत दे यार हुक्मरानों को। मेरी और आपकी, बल्कि पूरे आलम की कामयाबी अल्लाह ताला ने। आंटी क्या कर रही है रोड के बीच में, आ गई यार, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है। जी जी, समझे, ये औरतें पता नहीं रोड पे क्यों निकलती हैं। जी जी, मरती हैं अभी। देखिए ऋषि भाई, मेरी और आपकी, बल्कि पूरे आलम की कामयाबी अल्लाह ताला ने अपने पूरे पूरे दीन में रखी। इसी दीन के सिलसिले में मस्जिद में जमा। ऑफिस आ गया। जी जी चले। जी जी चले चले फहद भाई, बिस्मिल्लाह। जी भाई फरमाइए। देखिए, दुनिया का काम तो चलता रहेगा, लेकिन अगर साथ दीन की खिदमत भी हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। मेरी और आपकी, बल्कि पूरे आलम की कामयाबी अल्लाह ताला ने। एक मिनट, वो मुझे याद आया, बॉस को मेल करनी थी, कर लूं? जी जी शुक्रिया। बॉस को मेल कर। बॉस की आईडी क्या थी? हाँ, हो गई मेल भाई। आप कुछ बोल रहे थे? जी देखिए, दुनिया की जिंदगी तो आरजी है, लेकिन आखिरत की जिंदगी दायमी है। मेरी और आपकी, बल्कि पूरे आलम की कामयाबी अल्लाह ताला ने अपने पूरे। अरे आप लोग काफी देर से बैठे हैं, मैंने चाय पानी का नहीं पूछा, ठंडा लेंगे या गरम? देखिए, ठंडे गरम को छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए। मेरी और आपकी, बल्कि पूरे आलम की कामयाबी अल्लाह ताला ने अपने पूरे पूरे दीन में रखी। इसी दीन के सिलसिले में बॉस का रिप्लाई आ गया, देख लो। जी जी देख लीजिए। बॉस को रिप्लाई कर रहे हैं। बहुत गुस्से में भाई, बहुत। जी जी हो गया। जी आप क्या बोल रहे थे? देखिए, अब एक लफ्ज आपके मुंह से निकलना नहीं चाहिए, उंगली रखे मुंह पे। मैं आपको कब से कह रहा हूं, देखिए, मेरी और आपकी, बल्कि पूरे आलम की कामयाबी अल्लाह ताला ने अपने पूरे पूरे दीन में रखी है।
इसी दीन के सिलसिले में मस्जिद में जमात आई हुई है, चले तो बहुत फायदा होगा, लेकिन आप टोपियों पे टोपियां करा रहे हैं। ये आप गेम खेलने कब से बैठ गए और कह रहे हैं कि बॉस की मेल आई है, बॉस को रिप्लाई करना है। बात भाई उठाइए, लेके चलिए इनको। आप लोग खामोश क्यों हो गए, आप लोग कुछ बोल लेते। जी जी, मैं फरमा रहा था कि मेरी और आपकी बल्कि पूरे आलम की कामयाबी अल्लाह ताला ने अपने पूरे पूरे दीन में रखी है, इसी दीन के सिलसिले में मस्जिद में जमात आई हुई है। अगर जी, अब क्या हुआ आपको? मेरे पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। एक मिनट फहद भाई, जाइए। क्या मतलब है? जी जी, मेरे साथ जाएंगे? जी जी, ये आपके साथ तो जाएंगे लेकिन अंदर नहीं जाएंगे, ये बाहर खड़े होकर आपका इंतजार करेंगे। आप अपनी कजाए हाजत से सुकून से फारिग हो जाइए। फहद भाई जाइए। अब तो बॉस को मेल भी कर दी, उनका रिप्लाई भी आ गया और आप कज़ाए हाजत से फारिग भी हो गए। मेरे ख्याल से अब कोई तकाजा बाकी नहीं रहा, तो अब मस्जिद चले। चलते हैं मस्जिद। जी, अब क्या हुआ भाई? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये तो कोई मसले की बात नहीं है फहद भाई। जींगे जींगे साज मियादो एस बलाई शीराज मियादो, जींगे जींगे साज मियादो एस बलाई शीराज मियादो, चस्ते दुम मतन मखुल नूम जदेत बरनाज मियादो, यार मुबारक फदा इशाला मुबारक फदा, यार मुबारक फदा इशाला मुबारक फदा, यार मुबारक फदा इशाला मुबारक फदा, यार मुबारक फदा। जी, कुछ अफाका हुआ? जी बेहतर है काफी। तो अब मस्जिद चलें? मस्जिद जाना है ना? जी चलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम अनस है। अनस, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह से। क्या मसरूफियात हैं आजकल? मैं आजकल फारिग हूँ तो घर पे बैठा हूँ, ऑफिस की छुट्टी है। फारिग है माशाल्लाह, माशाल्लाह फारिग है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, बात दरअसल ये है कि मस्जिद में हमारी जमात आई हुई है, तो आप अगर हमारे साथ मस्जिद चले तो आपको बहुत फायदा होगा। ओ, ऑफिस जाना था, अभी बॉस की अर्जेंट कॉल आई है मीटिंग में। देखिए अनस भाई, बुरा मत मानिएगा, लंबी नहीं करें। देखिए आगे का हमें पता है। आगे का आपको कैसे पता? देखिए सबसे पहले आप ऑफिस जाना चाहेंगे लेकिन हम भी आपके साथ ऑफिस जाएंगे, तो जब हम गाड़ी में सफ़र कर रहे होंगे तो बहुत सारे मसले मसाइल होंगे जिसकी वजह से मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाऊँगा। बिल आखिर हम ऑफिस पहुँच जाएंगे। ऑफिस पहुँचने के बाद आपके पेट में गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। वॉशरूम से फारिग होने के बाद अचानक से आपके सर में दर्द हो जाएगा, फिर हम आपकी मालिश करेंगे, आखिरकार आपको मस्जिद जाना पड़ेगा। तो अनस भाई, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस पसंद है या शॉर्ट डिस्टेंस पसंद है। I think short distance is better. Short distance is better. काफ़ी समझदार हैं फहद भाई, आप इनको मस्जिद लेके जाइए, मैं कुछ इख्तितामी बातें कर देता हूँ। देखिए आपके घर भी तबलीगी जमात वाले आते होंगे और अच्छी अच्छी बातें करते होंगे, लेकिन आपको उनको टोपी नहीं करानी बल्कि उनकी बात सुननी है और उनकी नसीहत पर अमल करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।